शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल्आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुर्सलीन वअला आलिहि الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تبارك وتعالى في كتاب الحكيم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يسمعون لا يبصرون بها ولهم أعين لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون اللهم صل على محمد وآل محمد بارك الله فيك اللهم صل على محمد وآل محمد ये जो कल शहादतें हुई एक सिलसिला है जो 1400 साल से जारी है। हर शहादत के बाद हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता है। ये हमारी चंद रोज़ा मजालिस का मौजू बहस इंसान शनासी था। हम वहाँ से दाखिल हुए इस बात पे कि कुछ हिजाब हैं जो इंसान पे पड़ जाते हैं और उन हिजाबों के नतीजे में मुश्तरक मुश्किलात वाक़ होती हैं और एक मुश्किल जिसे हमने कल भी मौजू बहस बनाया वो कम्युनिटी के इख्तलाफात हैं, तफरका पड़ना है। अर्ज़ किया था कि तफरका यानी फिरके फिरके हो जाना, गुरोह गुरोह हो जाना, और इसकी वजह ये बयान की थी कि दीन का दुश्मन बहुत होशियार है, मुस्तकिल सिरात मुस्तकीम पे बैठा हुआ है। न सिर्फ बैठा हुआ है बल्कि वो चारों डायरेक्शन से हमला कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कल हमने ये डिस्कस किया था कि वो बुनियाद बनाता है लोगों की शख्सियात को इख्तलाफ का। एक दूसरा ज़रिया जिससे वो इख्तलाफ करार देता है वो नज़रियात हैं। अगर हम तारीख में निगाह डालें तो कुछ इख्तलाफात शख्सियतों की बुनियाद पर थे। जंग जमल में शख्सियतें सामने आईं और जंग नहरवान में खवारिज की सूरत में नज़रियात सामने आए। वहाँ कोई मखसूस शख्सियत नहीं थी, वहाँ कुछ नज़रियात थे, कुछ चीज़ों को जो कि मुकद्दस थीं बहुत ज़्यादा मुकद्दस समझ लिया गया, गलतफहमी का शिकार हो गए, लिहाजा इख्तलाफात की बुनियाद पड़ी। यही दो चीज़ें हम अपनी कम्युनिटीज़ में देखते हैं, यही दो चीज़ें इख्तलाफात का बाइस बनती हैं। अर्ज़ किया था कि जैसे मैं का होना एक इख्तलाफ का बाइस बनता है, आज हम कोशिश करेंगे कि इन नज़रियात किस तरह से इख्तलाफ का बाइस बनते हैं उस पर कुछ मिनट निगाह डालें। एक सलावात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद।
कहा था कि हम जब एक अच्छी प्यारी कम्युनिटी को देखा, अभी डेवलप हो रही है, तो हमने देखा कि हम असूल यह है, अकल का तकाजा यह है कि जिस तरह छोटे बच्चे को एक वैक्सीनेशन के टीके लगवाए जाते हैं, अब हम पहले से ही ये काम करें। कल एक टीका लगा, आज हम दूसरा टीका लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज को डिस्कवर करते हैं कि जब एक सेंटर, एक कम्युनिटी कायम होती है तो उसके अहदाफ क्या होते हैं। आप कहेंगे कि कुछ हदफ ये हो सकते हैं कि कम्युनिटी के कुछ अफराद मिलके बैठें, या ये हो सकते हैं कि अपने कुछ लोकल रस्म व रिवाज को महफूज रखा जाए। एक जवाब, क्योंकि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, तो ये कहेंगे कि अहले बैत के जिक्र को जिंदा रखा जाए। एक हदफ ये हो सकता है कि हम अहले बैत के बयान की तरवीज करें, उसको प्रोपगेट करें, और इसके अलावा मुतअद्दिद अहदाफ हो सकते हैं। जितने भी अहदाफ हों, जाहिरन आप इस बात से एग्री करेंगे कि अहले बैत के जिक्र को जिंदा रखना और उनके मैसेज को प्रोपगेट करना सबसे अहम मौजू होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये पैदा होगा कि जब हमने इस बात को अहम करार दिया कि अहले बैत के बयान को पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है, किस तक पहुँचाना, मुख्तलिफ लोगों तक, खुद पहले खुद समझना, बच्चों तक पहुँचाना, आइंदा आने वाली नस्लों तक उसको मुंतकिल करना, जो गैर मुसलमान हैं उन तक पहुँचाना, मुख्तलिफ हमारे सामने ऑडियंस हो सकते हैं, मुख्तलिफ टारगेट हो सकते हैं। अब मैं ये जो आपके सामने तमहीद बांध रहा हूँ, इसलिए कि ये वो जगहें हैं जहाँ मैंने खुद इख्तलाफात देखे हैं, लिहाजा मैं एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं। अब जब अहले बैत के मजहब की तरवीज करना चाहेंगे तो कुछ चीजें हो सकती हैं। एक तो यह है कि अहले बैत के पयाम को लोगों तक पहुंचाना, दूसरा यह है कि उनकी मजलूमियत के बारे में लोगों को बताना, तीसरा यह हो सकता है कि हम खुद अहले बैत को मुतारिफ कराएं, इंट्रोड्यूस कराएं। अब आया इसमें कोई प्रायोरिटी है, कोई तरतीब है, तो जी हाँ, तरतीब हो सकती है, डिपेंड करता है हमारी ऑडियंस कौन है। एक दफा हमारी ऑडियंस बच्चे होते हैं, एक दफा बड़े होते हैं। एक दफा हमारी ऑडियंस मुसलमान होते हैं, एक दफा गैर मुसलमान होते हैं। एक दफा शिया होते हैं, एक दफा शियों के अलावा दूसरे फिरके होते हैं। क्या हम इन सब के लिए एक ही तरीका इख्तियार करें, या इनके लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाएंगे? आया हम अहले बैत को मुतारिफ कराए बगैर उनका बयान पहुंचा सकते हैं, उनकी मजलूमियत किसी को बता सकते हैं? देखिए, मैं आपके सामने, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने मॉर्मन्स की हिस्ट्री पढ़ी है। मैं फर्ज कीजिए कि यहां पर बाहर एक नुमाइश लगाता हूं, कुछ करता हूं, इसमें मॉर्मन्स के बारे में बताना चाहूं। मॉर्मन क्रिश्चियंस का एक सेक्ट है। अब मैं मुतारिफ तो करा रहा हूं, हकीकत अगर मैं मुतारिफ ना कराता, सिर्फ आपको ये बताता कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में या 20th सेंचुरी के स्टार्ट में उनका प्रोसिक्यूशन हुआ। वो ईस्ट अमेरिका से उन्होंने माइग्रेशन की और वेस्ट अमेरिका में आके आबाद हुए। जब हम किसी भी चीज को बगैर मुतारिफ किए उसकी मजलूमियत बताते हैं तो लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है। बहुत सारे रेवोल्यूशंस में ऐसा होता है, बहुत सारी कौमों में ऐसा होता है, सही है, कुछ लोग जालिम होते हैं, कुछ मजलूम होते हैं, इस बात का हमसे क्या ताल्लुक। वो आएंगे आपसे शायद दो तीन हमदर्दियां कर लें, उसके बाद चले जाएंगे। क्या हमने इस तरह अपने मैसेज को पहुंचा दिया? नहीं पहुंचाया।
बस यानी हमें पहले उन्हें मुतारिफ कराना होगा, उनके आला अहदाफ को सामने रखना होगा, फिर जो ऑडियंस होगी उसके उसके मुताबिक बात करनी होगी। फर्स्ट कीजिए हमारे अफराद बड़े अफराद हैं, इंडो पाक से हैं, तो शायद मैसेज उर्दू में दिया जा सके, बच्चों के लिए शायद मैसेज किसी और जबान में जिसको वो बेहतर तौर पे समझ सकें, शायद उनके लिए पावर पॉइंट्स का इंतजाम करना पड़े, शायद उनको एक कुछ मूवीज दिखानी पड़े। जब अपनी कम्युनिटी से बात हो रही होगी तो देखा जाएगा क्या नीड है, ताकि क्या हो, कम्युनिटी की इम्प्रूवमेंट हो। वो बातें नहीं की जाएंगी जो वो पिछले 20 साल से सुनते चले आ रहे हैं। देखा जाएगा कहाँ नीड है, क्योंकि हमारा काम अहले बैत का काम हिदायत करना है। तो जब हम हिदायत करना चाहेंगे तो उस जगह की हिदायत करेंगे जहां पे लैगिंग कर रहे हैं। जब हम अहले सुन्नत बिरादरान अहले सुन्नत के सामने जाके मुतारिफ कराएंगे, पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, तो उनकी हक्कानियत को साबित करेंगे उन चीजों के जरिए जिस पे वो यकीन रखते हैं, कुरान के जरिए, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम नॉन मुस्लिम्स के जरिए जाएंगे। मैं आपके सामने ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि एक वक्त आएगा कि आप सोचेंगे कि चाहे हम बाहर नॉन मुस्लिम्स के सामने पेश करें, तो उस वक्त वो गलती ना कीजिएगा जो दूसरी कम्युनिटीज ने की है। अपनी एनर्जी जाया करने का कोई फायदा नहीं, और किसी चीज को बहुत ज्यादा अगर हम मुकद्दस निगाह से देखने लगे और उसमें अफरात और तफरीत करने लगे तो ये भी मुश्किल का सामना पड़ जाता है। देखिए खवारिज ने यही किया था, आया कुरान मुकद्दस नहीं है, है मुकद्दस, लेकिन उन्होंने क्या किया, दुश्मन के ट्रैप में आ गए। आजादारी मुकद्दस है, लेकिन अगर कल को ओबामा व्हाइट हाउस में एक मजलिस का इंतजाम करे, अपनी तमाम तरह खबासत के बावजूद, अपनी तमाम तरह उन जुल्मों के बावजूद जो मुसलमानों पर कर रहा है, तो हमें ट्रैप नहीं आना चाहिए। आजादारी मुकद्दस है, लेकिन आजादारी का एक मैसेज है, कुरान मुकद्दस है, लेकिन किसके हाथ में, कुरान का एक मैसेज है। ये नहीं हो सकता कि कुरान का पर्चा फाड़ा, नेजों पे ऊंचा कर दिया और कुछ लोग भटक गए। देखिए उस वक्त शिया सुन्नी की डिवाइड लाइन इतनी ज्यादा वाजे नहीं थी, एक मुस्लिम उम्मा थी। हाँ ठीक है, कुछ लोग जो अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ के कायल उनको शिया कहा जाता, दूसरे लोगों को कुछ नहीं कहा जाता। अमीरुल मोमिनीन के साथ जंग करने आए हैं सिर्फ इन्होंने, बस मुखालिफ नहीं है। यानी कुछ ऐसे हजरात थे जैसे अब्दुल्लाह इब्ने उमर, साद बिन अबी वक्कास, ये एक तरफ बैठ गए थे, उन्होंने कहा ना हम इधर का साथ देंगे ना इधर का साथ देंगे। ये ऐसे नहीं थे, आए थे अमीरुल मोमिनीन की आर्मी में और जंग लड़ते रहे। आपको मालूम है सिफ़ेन की लड़ाई कई महीने चली है, एक दो दिन की बात नहीं थी, कई महीने जंग होती रही है, जंग लड़ते रहे हैं। लेकिन चूंकि उनके एतकादात मजबूत नहीं थे, शैतान के ट्रैप में आ गए। उधर से नेजों पे कुरान बुलंद हुए, इधर इनके ईमान लरस गए। हमें तारीख से इबरत लेनी है। सलावत पढ़ दीजिए, कि अगर हम गैर मुस्लिम्स के सामने जब जाएंगे हम किस तरह पेश करें, जाएं उनको कहें लाम हुसैन के साथ बहुत जुल्म हुआ, अच्छा बहुत अफसोस हुआ उनके साथ, और भी बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म हुआ है, आर्मेनियंस के साथ जुल्म हुआ है, कहेंगे ज्यूज के साथ जुल्म हुआ है, आप में और उनमें क्या फर्क है, कहेंगे जी सुन्नियों ने उनको मार दिया, क्या ठीक है आपका अपना जाति झगड़ा है, हमारे यहाँ भी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक लड़ते रहे हैं, बहुत लोग मरे हैं, अभी आपके बराबर में बेलफास्ट में बहुत लोग मरे हैं। आखिर क्या किया जाए? देखिए मैं आज आपके सामने एक कायदा कुल्ली देना चाहता हूँ, एक फार्मूला देके जाना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। देखिए
तबलीग का क्या तरीका है। पहले हम देखें इबादत कितनी टाइप की होती है। इबादत दो टाइप की होती है, एक इबादत होती है ताबुदी और एक होती है जो ताबुदी नहीं होती। जैसे नमाज, रोजा, ये ताबुदी इबादतें हैं। यानी ताबुदी इबादत से क्या मुराद है? देखिए ताबुदी जो लफ्ज है उसका मतलब क्या है, अबूदियत से निकला है। मौला ने कहा आप बस अमल कर लें। मौला ने यहां पर जो ताबुदी करार दिया उसका एक प्रोसीजर बताया। नमाज पढ़नी है आपने, मौला ने कहा देखो सुबह के वक्त दो रकत नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। दो रकत नमाज पढ़ो बिल्कुल उस तरह जिस तरह पैगंबर अकरम ने पढ़ी थी। बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं आपको कहा गया कि खुदा की इबादत करो सुबह के वक्त उठकर, ये नहीं कहा गया। खाली कहा फजर की दो रकत नमाज पढ़ो और बिल्कुल इसी तरह पढ़ो जिस तरह कहा गया है। ये ताबूदी इबादत है। रोजा कहा गया इस तरह रखो, ये नहीं कहो कि रात के वक्त रख लो। मौला आपको एक आपको क्या कहते हैं 16 आवर का रोजा चाहिए। मैं सुबह देर से उठता हूं, मैं सुबह 10 बजे उठकर रात तक रोजा रख लेता हूं पूरे 16 आवर्स काउंट करके। कहा नहीं इस तरह नहीं है, उसका प्रोसीजर बताया गया, पूरा प्रोसीजर है, इसके मुताबिक अमल करें आप, इससे नहीं हटना। अच्छा रिजल्ट का क्या होगा? हाँ रिजल्ट कोशिश करें उसको हासिल करें, लेकिन अगर रिजल्ट हासिल ना हो तभी काम अंजाम देना है, ताबूदी है। अच्छा दूसरी टाइप की इबादत है, उसमें मौला ने प्रोसीजर नहीं बताया, प्रोसीजर के कुछ नमूने बता दिए लेकिन कहा इसमें अहम चीज आपका टारगेट है, हदफ है, वो हदफ चाहिए मुझे। जैसे मौला किसी को कहे ये गुलाम को जाओ मेरे लिए पानी लाओ, अब वो हो सकता है पानी जो है बॉटल में लिया है, गिलास में ले आए, फिक्र नहीं है, उसका हदफ क्या है पानी लाओ। मौला ने कहा तबलीग करो, तबलीग किस मीडिया के जरिए करो? तब कोई ये माइक नहीं था, मेंबर नहीं था, कुर्सी थी, कुर्सी पे बैठे करते थे। कभी इमाम कहते थे शायर को ऊपर जाके शेर कहे। देखिए आप खुद अभी देखिएगा कि हज़रत ज़ैनब ने किस किस तरह तबलीग की। तबलीग करो, तबलीग यानी क्या? बलागा यानी पहुंचाओ, पहुंचाओ क्या पहुंचाओ? हमारा प्याम पहुंचाओ। अलबत्त तबलीग के दो मायने, एक याद बनाओ ताकि तुम्हारे दिल जिंदा हो, एक क्या है हमारा पैगाम पहुंचाओ, इसको पहुंचा दो उन लोगों तक जो नहीं है यहां पर। अब ये जो है इसमें क्या चीज मुहिम है? इसमें मुहिम है पहुंचाना। यहां पर आकर बहुत से लोग इसमें इश्तिमा कर जाते हैं। देखिए मैं जिन कम्युनिटीज में पहले था वहां पर जाहिर है एक सिचुएशन ये पेश आती है कि कुछ लोग बिचर किसी एक इलाके से हैं, कुछ दूसरे इलाके से हैं, कुछ तीसरे इलाके से हैं, कुछ पांचवें इलाके से हैं। जब शुरू शुरू में आया तो कहा जी हमारे इलाके में तो मस्जिद इस तरह पढ़ा जाता था, उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो वो अलम इस तरह निकलता था, उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो एक काम इस तरह से होता था। अभी कॉन्फ्लिक्ट के लिए थोड़ा शुरू है, या एक नई जनरेशन आई उन्होंने एम्फसाइज किया कि हम बच्चों के लिए प्रोग्राम इस तरह करते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें तो हम हमेशा से इस तरह देखते आए हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें सेंसिटिव ना होइए। यहां पर चीज क्या है? तबलीग है, बलागा है, रिसा पहुंचाना है। यहां मौला ने कहा यह कैटेगरी दूसरी क्या है? ये गैर ताबूदी है। जैसे अमर बिल मारूफ, अब अमर बिल मारूफ जरूरी आप किसी का दरवाजा खटखटा के बोले मैं इतनी ऊंची शलवार पहनूं किसी का दरवाजा खटखटाऊं आप नमाज पढ़े? तबलीग मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है, आप इंटरनेट से तबलीग कर सकते हैं, किसी को फोन करके तबलीग कर सकते हैं, आप टीवी पे जाके प्रोग्राम करके तबलीग कर सकते हैं, अमर बिल मारूफ कर सकते हैं। अमर बिल मारूफ के मुख्तलिफ तरीके हैं। जो जमान इन चीजों में क्या चीज देखना पड़ेगा, कौन सा जमाना है, कौन सा मकान है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक सवाल दे दीजिए। अब देखिए हमने आइमा की इबादत अब तमाम अहदीस उठा के देखी। इमाम ने कहीं कहा कि इस तरह कोई अजादारी की जाए तो वो हराम या इस तरह तबलीग की जाए तो वो वाजिब नहीं का, कुछ नमूने दिखाए अल्लाह। मैंने कहा ना कि अजादारी मिसाल के तौर पे दो तरह के एलिमेंट से है, एक तो याद को जिंदा रखना है
और याद जिंदा रखने के लिए चूंकि इश्क है तो आइमा ने इश्क का तरीका बताया। खुद बैठ जाते थे, शायर को बोलते थे, ए शायर जाओ पर मेरे जग की शान में शेर कह। और शेर कहता था, शेर क्या है? अतूफर की निशानी है। शेर अतूफर लेके आता है, इश्क को उभारता है। या किसी को कहते थे कि जा और मेरे जग की मुसीबत बयान कर। जब मुसीबत बयान की कह आती है तो क्या होता है? अतूफर उभरती, इश्क उभरता है। ये मेथड है, इसको हम इस्तेमाल करें। ये खुद इमाम ने इस्तेमाल किए, करें और हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, इसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला तरीका है बलागत, उसको बलागा वाला जो पोर्शन है उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें हम उसको अकलमंदी से उसको करें, उसमें किसी किस्म का इख्तलाफ ना करें। एक सवाल दे दीजिए। आप देखिए, आप हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सबसे पहली आज़ादा, सबसे पहली मुबल्लिग़ तबलीग कर रही है ना। अब देखिए कहां का तबलीग की और किस किस स्टाइल में तबलीग की। कूफा के बाजार में तबलीग की। कूफा के बाजार में कैसे तबलीग की? अब खतरनाक है, अपने खुतबा दिया, आतिशी खुतबा दिया। यहां रोने नहीं, रोने भी बाद में, लेकिन पहले आकर क्या किया? ऐ कूफा के लोगों, किस तरह से तबलीग की? तबलीग है। आइए देखें दूसरा फेज। पहुंची इब्ने ज़ियाद के दरबार में, क्या कर रही है? वो शख्स आता है, मुगालता करता है। आपने कैसा पाया खुदा ने आपके साथ जो किया, कैसे तबलीग कर रही है आपका? मारा आए तो इल्ला जमील, मैंने इलावा जमील। और कहती है इब्ने ज़ियाद, तू चाहता है, तू समझता है कि हमारी याद मिटा देगा? ये तबलीग हो रही है, देखिए दरबार में खड़े होकर तबलीग हो रही है। देख रहे तबलीग क्या है? जालिम के सामने कलमा हक, ये भी तबलीग है। आपको देती जा रही है, दर्श देती जा रही है, एग्जाम्पल्स देती जा रही है। आगे बढ़ी, यजीद के दरबार में तबलीग की। जुमले तारीखी जुमले हैं, तारीखी जुमले। यजीद याद रख ले, तेरे दिन तमाम हमारी याद हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। ऐसी तबलीग की, ऐसी तबलीग की। एक मैंने आपको मिसाल दी थी, 50 से ऊपर की है खातून, इतने गम देखे हुए, ऐसी कि यजीद हिल गया है। मैंने बड़ी रिसर्च कर रहा था कि कितने दिन रहे हैं ये लोग असीर, कुछ दिन रहे। एक बर्मा हो गया था शाम के अंदर, अरकान दौलत खड़े हो गए थे यजीद के सामने, शामी बाहर आ गए थे कि तूने तुमसे झूठ बोला। कैसी तबलीग, कितनी मौसर तबलीग है। पैगाम के इमाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं ना, इमाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं। फिर अब देखिए तीसरी चौथी तबलीग, यजीद का चाहिए इनामों का नाम, नहीं चाहिए तेरे इनामों का नाम, हमें मजलिस करने दे। अब देखें मजलिस, अब शाम के अंदर, वो शाम जिसको मुआविया ने कैसा आमादा किया है अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ, उसमें आग लगा दी है, बैठ गए मजलिस करो। एक एक गिरिया, एक एक वाकया, एक एक चीज सुबह से शाम तक बयान कर रही है। आंसू उनके दिलों को साफ कर रही है, आंसू के जरिए उनके दिलों को मुनकलिब कर रही है, शाम में शीयत को ईजाद कर रही है। ले आई इंकलाब, चले वापिस आए कैबला, एक अलग तरह की तबीयत। वापिस पहुंची यजीद, अब यहां पर मदीने के बाहर पहुंची, बैठ गए इमाम, बैठ गए। बशीर तुम में से कोई शेर पढ़ने वाला है, जाओ शेर कहो। देखिए तबलीग क्या हो रही है, सब तबलीग हो रही है। हज़रत ज़ैनब इमाम का खून भरा कुर्ता लेके आई है, यहाँ एक अजीब तबलीग है। देख रहे हैं आप तबलीग कितनी तरह की हो रही है। तबलीग ये है ना, इस पे सेंसिटिव होइएगा, शैतान के ट्रैप में ना आइएगा। एक सवाल जो दी है हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। आज जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जिस तरह से मोमिनीन शहीद होते हैं, वाकई शियान बेबस नजर आते हैं,
लेकिन हम कोशिश करें कि हमारी तरफ से कोई कोताही ना हो, हमारी तरफ से कोई कोताही ना हो, कोई हमारी वीडियो बना के किसी को ब्रेन वॉश ना करे। लेकिन बाज़ औक़ात हम आइम्मा से ज्यादा शुजा हो जाते हैं, आइम्मा से ज्यादा शुजा होते हैं। यकीन करें इस मुफाती जिन्हों को मैं देखता हूँ, मुख्तलिफ जगह पे ज़ियारतें देखता हूँ, जो इमामों ने कही है, इमाम लानत भेज रहे हैं, कोर्ट में लानत भेज रहे हैं, अव्वल थानी थालिस, और हम उनसे ज्यादा शुजा हैं। अरे इमाम हम तो बहुत शुजा हो गए। अरे आप किसी के दूसरों की जो शख्सियत है उनका मालूम है, जितने भी जालिम हो जाहिरन आप जिस तरह से भी एहतराम कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि ये वीडियो दिखा के आपकी आपकी का कत्ल किया जाए। वो बहुत खुश होते हैं ऐसी वीडियो देखकर, उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ब्रेन वॉश करने के लिए, बहुत अच्छी वीडियोज हैं। क्योंकि देखिए आप यकीन कीजिए, नफ्सियात को समझिए इंसानों की, वो एक कुछ शख्सियतों की मोहब्बत में डेवलप हुए हैं। आम आदमी मुस्तज़फ है, उसको नहीं पता कि क्या हुआ है। उन शख्सियतों के नाम आपको दिखाए गए कि जनाब फला साहब इस तरह से जो है गालियां दे रहे हैं, कितना गुस्सा आएगा उनको। खुदा ना खास्ता अगर कोई हमें इमाम हसन इमाम हुसैन के बारे में कोई दिखाए कि गालियां दे रहे हैं फला लोग, हम कितना गुस्सा आएगा उनको। हमें चेंज करने की जरूरत है इसको। एक सलावत पढ़ दीजिए, गुफ्तगू लज्जत के मौजू पे थी, हमने मुख्तलिफ लज्जत की अकसाम बयान की। पहले तो हमारा सवाल यह था कि आखिर लोगों को कुछ चीज़ों के अंदर कुछ काम आसानी से करते हैं, कुछ काम बहुत मुश्किल से करते हैं। तो हमने कुछ फार्मूले देखे, एक तो यह था कि जिन कामों में लज्जत ज़्यादा होती है वो काम आसानी से हो जाता है। फिर हमने लज्जत की कुछ अकसाम बयान की, उसके बाद हम गए लज्जत किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो बयान किए। अब हम देखते हैं कि जो लज्जात इंसान को हासिल होती है, इनमें से कौन सी लज्जत ज़्यादा अहम होती है। कल इशारा किया था कि लज्जत मानवी, जिसको इश्क की लज्जत कहते हैं, उसका मुकाम बहुत बुलंद है, उसका मुकाम बहुत बुलंद है। लेकिन दूसरी लज्जात इस हद तक के जो आपके लिए ज़रूरी हो, ना उससे ज़्यादा। देखिए अब मैं वो जो हमने आयत हमारा जिसको हम मुस्तकिल तिलावत कर रहे हैं उसको मैं अब शुरू से पढ़ता हूँ। तो देखिएगा कि खुदावंद तआला जो है यहाँ पर किस तरह से लज्जत के ऊपर यहाँ पर क्या बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सलावत दे दीजिए, ये पहली आयत मैंने पहले नहीं पढ़ी थी कि कोई डरे ना लोग, लेकिन अब मैं पढ़ देता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس فقرآن تعالى فرما رہا ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو جن اور انس میں سے ہیں ان کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے۔ سوال کیوں خلق کیا ہے، خود جواب وہی جو ہم نے آیتیں پڑھتے رہے، جواب اس کا یہ، اس کی ریزن کیا ہے، لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، علت ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس دل تھے لیکن یہ ان دلوں کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تھیں ان آنکھوں کے ذریعے دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تھے ان کانوں سے نہیں سنتے تھے۔ हमने कहा था ये सब हिजाब है। अब हम इस आयत से आगे बढ़ते हैं। देखिए कुरान वाकई खुदा का कलाम है, कितना एक एक लफ्ज मोती की तरह पूरा हुआ है। यहां पे आगे कहा उलाइका कल अनआम, ये अनआम की तरह है। अजीजों मैंने ये नहीं कहा कि ये खाली जानवरों की तरह, मैंने कहा अनआम की तरह है। आप सवाल करने का हक रखते हैं कि अनआम क्यों कहा, कुछ और क्यों नहीं कहा। देखिए हैवान की कैटेगरीज हैं, कुछ हैवान चार पाए होते हैं, कुछ हैवान वहशी होते हैं। यहां पे नहीं कहा वहूश, यहां कहा अनआम। देखिए हम लज्जत जो यहां लेके आए रिलेटेड हमारे मौजू से,
ये आखिर कौन से वाले जानवर हैं, अनाम कौन से हैं ये? अनाम जब हम कहा जाएगा अनाम क्या है, देखेंगे पूछेंगे तो लोग कहेंगे देखिए अनाम में बकरी, भेड़, गाय, ऊंट, ये सारे चीजें अनाम कहलाती हैं। क्यों कहा अनाम, क्यों नहीं कहा वहूश? मैंने आपसे किसी वक्त अर्ज किया था कि इंसान के अंदर, इंसान की रूह में चार करेक्टरिस्टिक्स हैं, चार कुवतें दी हैं खुदा ने, कुवत शहबानी यानी क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुवत गजबी, फोर्स ऑफ रिपल्शन, कुए बहनीय, फोर्स ऑफ इमेजिनेशन, कुए उखलानीय, फोर्स ऑफ विजडम, चार कुवतें। इन चार कुवतों में सबसे ज्यादा कुवत किस चीज की है जिसमें इंसान सबसे ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहता है या मेजॉरिटी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं? सुबह से लेकर शाम तक हम किस चीज के पीछे होते हैं? एब्जॉर्ब करने के, शहवानियत की तरफ, अट्रैक्शन की तरफ ज्यादा होते हैं। खाने पीने, मुख्तलिफ किस्म की अट्रैक्शन, आंखों की अट्रैक्शन, दूसरे फाजों में लज्जत की तरफ ज्यादा होते हैं। अब वापिस पढ़ते हैं अनाम क्या है। आपने अनाम का जब भी आपके सारे चैनल आएगा तो आपको क्या करते नजर आएंगे, जुगाली करते नजर आएंगे हर वक्त। अनाम में कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लज्जात की, सिर्फ लज्जात के पीछे होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। देखिए अब आपने खुदा ने ये नहीं कहा कि कुछ और, कहा कि ये जो लोग हैं जिनके दिलों पर, आंखों पर, कानों में पर्दा पड़ा है, क्यों पड़ा है? एक वजह इसकी ये है कि ये लज्जात में गर्क हैं। कौन सी वाली लज्जात? हिस्सी। क्यों अनाम क्या करते हैं? हर वक्त जुबानी कर रहे होते हैं, मुंह चल रहा होता, मुंह चल रहा होता है उनकी जिंदगी इसमें। तो खुदा के कहता है, खुदा फरमाता है कि उलाएका कल अनाम, ये लोग जो है ये अनाम की तरह है। अच्छा फिर उससे एक अदम स्टेप अप, बलहुम अदल, से बदतर है। कैसे बदतर है? बहुत ऑब्वियस बात है। कहते थे कि हमने अनाम को जो फोर्स ऑफ विजडम थी वो तो दी नहीं थी, उनका डिजाइन ऐसा है। अच्छा बच्चों का एक सवाल हो सकता है, भाई अनाम क्या पाइंता है? देखिए जलालत किसको कहते हैं हम? गुमराही को, यानी डार्कनेस को। ये कहते हैं उनसे ज्यादा डार्क में है, यानी क्या उनके पास तो कुछ कुव्वत दी नहीं थी, विजडम की कुव्वत दी नहीं थी उनको, उनके पास तो नफ्स से नाकते, जिसको हमने कहा था एनिमल ह्यूमन सोल, ह्यूमन सोल तो आई नहीं थी। तो कहते हैं ये अनाम की तरह है, बल्कि क्या है, उनसे भी ज्यादा डार्कनेस में है, उनसे भी गिरे हुए हैं। अब खुदा का मकसद कतन ये नहीं था कि अनाम इंसान से ज्यादा जलील है। जलील से मुराद यहां पर ये उनका लोअर लेवल है, वो डार्कनेस में है। इंसान अपनी रूह के जरिए अपने कुछ हिजाबों को बरतरफ करता है, कुछ चीजों को देखना शुरू करता है, कुछ चीज खर्ब करने लगता है। उसके बाद आखिर में खुदा खुदावंदाला नतीजा दे रहा है, उलाएका हुम गाफिलून, ये लोग गाफिल हैं, यानी ये हिजाबों में हैं। एक सलावत पढ़ दीजिए, बस ये हिजाब जो हमने जैसे अर्ज किया था कि हिजाब इस तरह से आए थे कि बदन और रूह के दरमियान एक अटैचमेंट हो गई थी, और ये अटैचमेंट हमने इसका गलत फायदा उठाया था, और फिर हमने कहा कि इन अटैचमेंट को रिमूव करने का तरीका ये है कि हम नूर की तरफ तवज्जो करें, और नूर क्या है? अल्लाह नूर समावात वल अर्ध, यानी इबादत अंजाम दें, अपनी हुब और बोक्स को अल्लाह के लिए का मियार बनाए। अब मसला क्या होता है,
आम तौर पे देखने में आता है कि बजाय हम इन कर्टन्स को हटाते हम कुछ कर्टन्स और डाल लेते हैं अपने ऊपर, गुनाहों की कर्टन डालते हैं, हम तारीकी में थे तारीख तर हो जाते हैं। कब होश आता है? जब इतनी देर में होश आता है कि हम बहुत आगे जा चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर यहां से किसी ने जाना है बेलफास्ट, बेलफास्ट जाने के लिए गाड़ी चाहिए थी। अगर वो यहां से चला, टारगेट तो वो था, खुदा ने आपको हमें बनाया था, हम लोगों को बनाया था कि हम खुदा तक पहुंचे, हमने गाड़ी उठाई और बजाय एक उस डायरेक्शन में जाने के उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। अगर हमें आज भी उसका एहसास हो जाए किसी वक्त कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या तरीका है बेहतरीन? गाड़ी को मोड़िए, उस सिमत में कीजिए जो खुदा की सिमत है, सलावत भेज दीजिए। अब लोग को हो सकता है शैतान ये वसवसा डाले कि देखिए ये जो मुकामात हैं ये सिर्फ आइम्मा के लिए हैं। तो यहां पर खुदावन ताला क्या करता है, यहां आकर कुछ साइंस दिखाता है लोगों में से, कुछ लोगों को जो गैर मासूम है उनको कुछ चीजें अता करता है, और जो अता करता है उनकी मेहनतों के नतीजे में। जैसे आपके सामने तारुफ कराया था काजी तबतबाई का, ये अल्लामा तबतबाई के उस्ताद है, कहा था कि ये एक ऐसे उस्ताद है जो इरफान में सबके उस्ताद है इस वक्त। आयतुल्ला इमाम खुमैनी के जो उस्ताद थे शाहबाद, ये उनके उस्ताद है, आयतुल्ला बहजत के उस्ताद है, अल्लामा तबतबाई के उस्ताद है, और मुख्तलिफ शख्सियतों के उस्ताद ये थे। अब ये अल्लामा तबतबाई के उस्ताद कैसे बने? अल्लामा तबतबाई खुद अपनी जिंदगी के बारे में लिखते हैं कि जब मैं बिल्कुल यंग था मैं पहुंचा नजफ, मैं नजफ पहुंचा और मैं आके अमीर उल मोमिनीन के रोजे के सामने खड़ा हो गया। अब यहां आने के बाद अब मैं खड़ा हूं अमीरुल मोमिनीन के रोजे के सामने, मैं कहता हूं अमीरुल मोमिनीन, दिल में कह रहा हूं अमीरुल मोमिनीन मैं आपके जवान में आया हूं, मुझे नहीं मालूम मैं कहां जाऊं, किस मदरसे में जाऊं, क्या पढ़ूं, किस उस्ताद के पास जाऊं, परेशान है। अब ये खड़े हुए हैं तो पीछे से कोई हाथ रखता है नहीं, बोलते हैं देखे काजी तबतबाई, कहते हैं शख्स तुम अमीरुल मोमिनीन के जवान में हो, तुम्हें इस बात की क्या फिक्र कि तुम कहां जाओ, किस उस्ताद के पास जाओ, आओ मेरे साथ। देखिए क्या किया उन्होंने, उनका जहन पढ़ा। अब हम जब कहते हैं लोगों के साथ, हम इंसानों को शनाख्त नहीं करते, हम कहते हैं कि आइम्मा जो है वो आलम गैब के बारे में जानते थे, जो कहते हैं आपने क्या कहते हैं उलमा हमारे ये कहते हैं कि ये कहना कि इमाम गैब जानते थे इमाम की तौहीन है, आइमा की तौहीन है। आइमा क्या है? इमाम हुसैन की एक आंखों की जुम्बिश पर पूरी कायनात वजूद रखती है। अमीरुल मोमिनीन के लबों की गर्दिश पर यह कायनात चलती है, और मैं आपसे वादा किया मैं प्रूफ करूंगा इसको, हर बात लॉजिक से होगी, ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे थे मैं आपको खतीबाना अंदाज में कह रहा हूं, आप क्या ऐसी ये तो सब कहते हैं, प्रूफ करूंगा इंशाल्लाह आपके सामने। तो उनका मुकाम कुछ और है, ये इंसानों का मुकाम है। बस अल्लाह तआला का हाथ पकड़ा ले गए। अच्छा, लेकिन यहां पर राज ये नहीं था, हमारे लिए राज ये नहीं था कि उन्होंने उनका दिमाग पढ़ लिया, एक और चीज थी। आखिर वो क्या चीज थी जो उन्होंने अल्लामा तबतबाई में देखी किसी और में ना देखी? देखिए वो हमें चाहिए, वो नूर जो उनके सीने में था। जब नूर देखते हैं, जब जस्तुजू प्यास देखते हैं तो खुद आते हैं। देखिए हम लोग जाते हैं दरवाजा खटखटाते हैं, एक दफा खटखटाया, दो दफा खटखटाया, तीन दफा खटखटाया, उसके बाद पलट जाते हैं। वहां से जवाब आता है आगा, इनको तो गिदा नहीं कहते, इसको तो फकीर नहीं कहते। जो दरवाजा खटखटाता रहता है वो दरवाजा खुल जाता है। अगर हम प्यासे हो, अगर हम प्यासे हो दिल में एहसास करके देखें, अगर हम प्यासे हो, इस वक्त प्यासा हूं, फर्ज कर लीजिए मैं यहां बैठूंगा,
मुझे एक थोड़ा सा इतना सा एहतमाल, बराबर वाले कमरे में पानी है, मैं वहां जाऊंगा फ्रिज का दरवाजा खोलूंगा पानी नहीं है, बहुत प्यास है, ऊपर जाऊंगा जाके देखूंगा प्यास नहीं है पानी, दूसरे कमरे में जाऊंगा पानी नहीं है पानी, मैं इत्मीनान से नहीं बैठूंगा। आईमा कहते प्यासा बनना सीखिए। आज हमारे साथ दुनिया में अजीब चीज का हाल हो रहा है, हम इमाम जमाने के आशिक हैं। आम लोग नहीं जाते इमाम के पीछे, उरफा जाते हैं। अगर इमाम की तलाश में होते जाते हरम हजरत मासूमा नहीं मिलते, जमकरान जाते जमकरान में नहीं मिलते, मशहद जाते मशहद में नहीं मिलते, करबला जाते करबला नहीं मिलते। आशिक सकून से नहीं बैठता, आशिक बैठता नहीं है। मालूम है ना बहरीन का किस्सा, आपको अपने बच्चों के लिए बयान कर देता हूं, बहरीन में क्या हुआ था। ये जो बहरीन की आज आपको आबादी इतनी बड़ी शिया नजर आती है, ये इतनी बड़ी शिया नहीं थी आज से चंद सौ साल पहले। बहरीन में मेजॉरिटी सुन्नियों की थी, कुछ शिया रहते थे। उस बादशाह ने क्या किया, बादशाह का एक वजीर था इंतहाई मुतासिब, एक दिन एक फल लेके आया और कहने लगा देखिए ये शिया हमारे अब्बर और दुब्बों और सेबों खलीफा को गालियां देते हैं, देखिए मौजजा देखिए। कहा क्या मौजजा है दिखाओ मुझे। कहा मौजजा ये है कि देखिए इसमें नक्श हुए हुए नाम उनके, ये किस तरह से दरख से पौधा फल निकला है इसका। बादशाह ने देखा वाकई सही कह रहा है, इंपोज्ड हुए हुए थे, नक्श हुए हुए थे, मौजजा है जिंदा मौजजा है। कहा बुलाओ सब शिया उलमा को, शिया उलमा को बुलाया, कहा इसका जवाब दीजिए। ये परेशान कहते कहां से आया, कहा ये वजीर ने हमें लेके दिया। परेशान क्या जवाब दे, कहने लगा सिर्फ तीन दिन की मोहलत दे रहा हूं, बल्कि कहा मैं तुम क्या तुम इसको या तो इसको इसका जवाब ले आओ वरना तुम या तुम सब सुन्नी हो जाओ। आज भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि इसका जो सबूत क्या है। उन्होंने कहा कि आप हमें तीन दिन का टाइम दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं तीन दिन का टाइम देता हूं। अब ये परेशान दिल इस्तराब में, लेकिन ये इस्तराब शुरू हो गया। आते हैं आप में से जितने उलमा में से जो सबसे ज्यादा परहेजगार होता है उस तक पहुंचते हैं, इमाम को पुकारो। ये शख्स आता है साहिल पर बयाबान में, पुकार रहा इमाम, इमाम आप कहा है इमाम। वो देखे ना दुआए अहद के आखिर में कहते हैं अजल अल अजल। बच्चों ने पूछा कि क्यों मारते हैं आप, इस तरह जो इस तरह में होते बुलाते हैं। वाकई अगर आज शिया कहें आज दिल से पुकारने लगे इमाम को और खुद अपने आप को आमादा करें, खुद अपने आप को आमादा करें उस काम के लिए, उनके आने के लिए आखिरी हुज्जत है। खुदा इसको जब तक नहीं भेजेगा जब तक हम आमादा नहीं होंगे। ये साहब चले बाहर जाके अल अजल अल अजल या मौला। दूसरा एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन अब ये परेशान है। इमाम आ जाते हैं, रोते हैं, कहते इमाम आप तीन दिन में आ रहे हैं। इमाम ने जानते क्या जवाब दिया, आपने मुझे कहा था तीन दिन बाद, अगर आप मुझे पहले दिन संबोधना चाहते मैं पहले दिन आ जाता, आप समझते थे आपने कहा था मैं तीन दिन बाद। इमाम ये मसला है, इमाम ने कहा कोई मसला नहीं है, जाओ बादशाह के सामने बोलो हमें जवाब मिल गया। बोला इमाम क्या जवाब है, बोलो इस वजीर के घर जाओ। इस वजीर ने इसके घर में वो दरख्त है उस फल का, उसने उसके ऊपर एक डाई लगाई है, डाई के ऊपर उसने जो है नाम वो किए हुए हैं। जब ये फल छोटा सा होता है उसके ऊपर डाई लगा देता है, बढ़ता जाता है और उसमें वो चीज नाम इम्पोज हो जाते हैं। कहने लेकिन इस तरह मत जाना, जब जाओ तो बादशाह को बोलना इसको जाने ना देना, इसको साथ लेके जाओ और जब वहां पहुंचो कमरे में तो उस फल को उसको तोड़ना, फिर देखना क्या होगा। ये पहुंचे बादशाह के दरबार में, कहा बादशाह सलामत, जवाब मिल गया। उन्होंने कहा क्या जवाब है, यहां जवाब नहीं देंगे, जवाब कहां देंगे, इस वजीर के घर में। अब ये वजीर
मना करे, उन्होंने कहा नहीं जाना है। चले, लॉक दरवाजा था, कमरा खोला, दरख्त था, कहा ये जवाब है, ये जवाब है। इस तरह से इसने इसको डिजाइन किया है पूरा। फल लिया, उसमें जो लगा था, कहा देखो ये फल गया है, शैतानी है। इसको तोड़ा, उसको कहा इसको तोड़ा, उसकी उसे धुआं निकला जो वजीर के मुंह पे गया। उस बादशाह ने कहा मैं आज से शिया होता हूं, आज से बहरेन का ऑफिशियल मजहब शिया है। ये जो आलिम है इनका मजार आज भी बहरेन में मौजूद है। सलावत पढ़ दीजिए। जो आशिक होता है वो बैठता नहीं है कहीं पर। अच्छा, ये इश्क एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है इश्क। आप यकीन कर लीजिए, आप यहां जो चल के आए हैं आशिक हैं, खुद नहीं आए, ये खुद नहीं आए। लेकिन जब तक एक कायदा है, कायदा कुल्ली है, जब तक गार्डन से, जब तक गुलिस्तान से खुशबू ना आए, बुलबुल अगर ट्रैवल नहीं करती। पहले गुलिस्तान से खुशबू उठती है, फिर बुलबुल जाती है। पहले खुशबू इधर से आई है। मैंने कहा था ना कि यार इमाम ने क्या कर दिया इस आलम के साथ, इस आलम में क्या चीज दे गए कि खुशबू फैली है ये। और हम आप फखर किया करें, ये आपके अंदर सेंसर है जो उस खुशबू को महसूस करता है और आप आशिक बन के चले चले आते हैं। एक सलावत दे दीजिए। वो भी हमसे इश्क करते हैं, यकीन कर लीजिए वो भी इश्क करते हैं। मैं आज आपके सामने एक चीज बयान करना चाहता हूँ, बहुत से हमारे मोमिनीन के सवाल के जवाब मिल जाएंगे। हम अक्सर ये कहते हैं मौला हम तो आपसे दुआएं करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं, लेकिन बाज आ जाते हैं हमारी पूरी नहीं होती। कहते हैं ना कभी कोई बच्चा बीमार हो, कभी कुछ हो, कभी और बच्चा सीरियस बीमार हो, नहीं सही होता, तो कहते हैं मौला हम तो आपसे नहीं इल्तिजाएं करते हैं, पूरा नहीं होते। मैं आपको आज इसका जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए मौला ने कहा कि हम हर आदमी की हाजत पूरी करेंगे, तो अपने हर आशिक की बात आशिक है वो भी, हर एक का हम पूरा करेंगे। अब तीन सूरत हाल है, इन तीन में से एक चीज आपके साथ होगी। कोई मौला से मांगेगा, मौला उसी वक्त दे देंगे, वही देगा, वही देंगे जो मांगा है, उससे ज्यादा नहीं देंगे। एक दूसरा, थोड़ी देर बाद देंगे लेकिन उससे बेहतर देंगे जो मांगा है। दो तीसरा, इमाम मसलहत नहीं समझेंगे कि आपको ये चीज दें, लेकिन आपको आखिरत में इसके बदले बहुत कुछ देंगे। ये कायदा कुल्ली है, यानी इमाम हर सूरत में देंगे, मुमकिन नहीं है। देखिए मैंने कल कहा था ना, फारसी में कहा था ना, या गदा जाओ जाकर इमाम अली के दर को खटखटा, ये जो है तुझे क्या देंगे, करम से नगीने बादशाही देंगे। इस दर से कोई वापस नहीं जाता, ना असीर, ना मिस्कीन, ना फकीर, कोई वापस नहीं जाता, कोई वापस नहीं जाता। फिर मोमिन कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता। एक वाक्य आपको सुनाता हूं, आपकी जहमतें तमाम, सच्चा वाक्य है। एक आलिम थे, अभी कुछ अर्से पहले का वाक्य है, एक आलिम, बड़े आलिम, छोटे मोटे आलिम, कुछ हाजिर पेश आ गई, पहुंचे अमीरुल मोमिनीन, हाजतें कई रोज तक, हाजतें, दुआएं, ज़ियारतें, रोजे, नमाज शब, नमाज पे नमाज, ज़ियारत पे ज़ियारत, हाजत अभी तक पूरी नहीं हुई। एक दिन बैठे हैं अमीरुल मोमिनीन के हरम में, ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, एक बैठे मैं दुआ पढ़ रहे, तो एकदम एक अरब आता है, एक अराब आता है, अराबी आ जानते ना, बद्दू, हाथ में बच्चा है बीमार, आया बच्चे को यूं डाला अमीरुल मोमिनीन के सामने,
कहा अमीरुल मोमिनीन, ये बच्चा बीमार है, मरीज है, मैं तीन चक्कर लगाऊंगा, तीन दफा आपके हरम में चक्कर लगाऊंगा, इसको सही कर दीजिए, अगर सही नहीं है तो मैं नहीं और आप नहीं, मैं गया यहां से। अच्छा अब ये वहीं बैठे हैं पीछे, इनका मुंह खराब, नहीं देख रहे, ये बच्चे को डालता है, एक चक्कर लगाता है, अरबी है अपनी उसी जबान में, अमीरुल मोमिनीन एक चक्कर हो गया, एक दूसरा चक्कर लगाता है, या अमीरुल मोमिनीन हो गए दो, तीसरा चक्कर लगाता है, बच्चा खड़ा हो जाता है। अब ये तो खड़ा होके उसने बच्चा उठाया चल दिया, इन आलिम की हालत अच्छी, इन्होंने कहा रोए बेताशा, मैं तो आपसे इतने दिन से मान लू, आपके दर का मानो मैं गुलाम हूं, कितने सालों से आपकी खिदमत करता हूं, आपके लिए तबलीग करता हूं, आपका नमक खाता हूं, आपके बयान को एक एक घर तक पहुंचाता हूं, मेरी हाजत, रोते हैं रोते हैं, रात को इबादत करते हैं रोते रोते सो जाते हैं, ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन आते हैं। अब ये फिर शिकवा करते हैं, अमीरुल मोमिनीन मैं तो आपके आपका तालिबे हूं, आपके दर पे बैठा हूं, कितने सालों से आपके दर पे बैठा हूं, वो आया भी आया लेके चला गया, हम पे हम बैठे हैं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं जानते हो किस्सा क्या है, अगर हम उसे ना देते तो वाकई में चला जाता, लेकिन हमने उसको दे दिया कि ना जाए, तुम अरे तुमसे तो हमको मोहब्बत है, जब तुम आते हो हमारे पास तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ी मोहब्बत आती है, जब तुम आते हो गिनिया करते हो, हम तुम्हें बहुत मोहब्बत से देखते हैं, कहते हैं हमारा दिल चाहता है कि तुम हमारे पास देर तक रहो, देर तक हमसे मांगो, कहते हैं ये देर से देना कम लुत्फी नहीं है, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत है तुम्हारे लिए, और हम तुम्हें हमसे मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत से तुम में इजाफा होता है। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता, अमीरुल मोमिनीन या आइम्मा हमसे लापरवाह हो जाए, नहीं हो सकता। बस अजीजों आपकी जहमतें तमाम करता हूं, आइए चले अपने मौला के घर पर। मैंने अर्ज किया ना कि ये छोटी छोटी चीजें तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने हर चीज हमारे लिए दे दी थी। अजीजों असीरा ने करबला का काफिला शाम में दाखिल हुआ चाहता है, एक कनीज दौड़ी दौड़ी हिंद के पास आती है, कहती है हिंद कुछ असीर आए हैं, आओ चलो उन्हें देखें। हिंद चलती है, आप जानते हैं हिंद कौन है, ये हिंद यजीद की बीवी है, जब ये छोटी सी थी तो एक यहूदी की बेटी थी, फालिश थाई से, हर तरह उसके बाप ने इलाज कराया, ये सही नहीं हुई, आखिर किसी ने कहा इसको अमीरुल मोमिनीन के पास ले जाओ। अमीरुल मोमिनीन के पास आए, इमाम अमीरुल मोमिनीन ने कहा पानी का प्याला लाओ, पानी का प्याला लाया गया, अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हुसैन को बुलाया, इमाम को कहा इसमें हाथ डाल दो, इमाम ने उसमें हाथ डाल दिया, अमीरुल मोमिनीन ने प्याला उठा के उसके बाप को दिया कि जाओ इस बच्ची को इस्तेमाल कराओ, ये शफायाब हो जाएगा। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और हिंद शफायाब हो गई, इसके बाद ये पूरी फैमिली मुसलमान हो गई, और ये हिंद काफी अरसे तक बतौर कनीज अमीरुल मोमिनीन के घर में रही, खिदमत करती थी, ना कनीज के तौर पर खिदमत करती थी। जब ये बड़ी हुई तो खूबसूरत थी, बाद में इनके कबीले ने मुआविया ने इसको देखा और अपने बेटे से शादी कर दी, ये हिंद है। अब ये हिंद की कनीज कहती है आइए कुछ असीर आए हैं चले,
ये आती है बैठ जाती है एक जगह पर, सामने से बेकजावा ऊंटों पर शहजादियां आ रहे। हजरत जैनब ने दूर से इसे देखा, कहा उम्मे कुलसूम, अरे इसे पहचानती हो? उम्मे कुलसूम ने कहा नहा कहीं बहन। कहा ये हमारी कलीज थी हिंद। उसके बाद आपने सर झुका लिया। तो ये ऊंट करीब आए तो हिंद ने कहा बीवियो तुमने सर क्यों झुकाया हुआ है, सर तो बुलंद करो। अरे मुझे ये बताओ तुम किस शहर से हो? हज़रत ज़ैनब ने कहा सर झुकाए झुकाए कहा मैं मदीना से हूं। अरे मदीना का नाम सुना था, हिंद कुर्सी से खड़ी हो गई। हज़रत ज़ैनब ने कहा हिंद कुर्सी से क्यों खड़ी हो गई? हिंद ने कहा मेरा लाखों सलाम मदीना के रहने वालों पर, ए बीबी ये बताओ कि वहां एक घराना कैसा है? हज़रत ज़ैनब ने कहा कौन सा घराना? कहा मुझे अली के घराने का मालूम करना है। हज़रत ज़ैनब ने कहा किस फर्द का माल मालूम करना है? हिंद ने कहा मुझे मौला के बेटे और बेटों का हाल मालूम करना, खुसूसन इमाम हुसैन मेरे मौला हुसैन कैसे, शहजादे अब्बास कैसे, शहजादे ज़ैनब उम्मे कुलसूम कैसे। अरे हिंद ने ये सवाल किया और हज़रत ज़ैनब ने जहां सोच के यह शुरू कर दिया, कहा हिंद देख वो सर जो कटा हुआ नेजे पर है वो तेरे मौला हुसैन का सर। अरे अब्बास और अकबर के लाशें हम कर्बला में छोड़ आए हैं, उनका गला ज़ालिमों ने काटा, प्यासा शहीद किया। अरे ज़ैनब मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, ये उम्मे कुलसूम है और ये जो सवार या जंजीरों में कैद है ये अली की बहुएं और बेटियां हैं, और ये जानती है कि ये जो जंजीरों में कैद काफला सालार है तेरा मौला सज्जाद है। अरे अजीजो हिंद ने ये सुना, चीख मार के उस वक्त बेहोश हो गई, अपना सर पीट डाला, उठी होश आया। हज़रत ज़ैनब ने कहा हिंद तू जा कहीं ऐसा ना हो कि यज़ीद तुझे तंग करे। इसने अपने कपड़े फाड़ डाले, अपनी चादर फेंक दी और भागती नंगे पैरों यज़ीद के दरबार में दाखिल हो गई। यज़ीद ने अपनी बीवी का ये आलम देखा तो एक लम्हे के लिए चादर लेके भागा इसी तरफ। यहाँ की चीखी वैलका या यज़ीद अख़ज़त कल हमिया अलैया, शर्म नहीं आती यज़ीद तो मुझ पे गैरत करता है। फलेमाला अख़ज़त कल हमिया तो आला बिना बे फातिमतुज़ ज़हरा, अरे फातिमतुज़ ज़हरा की बेटियों में तुझे गैरत नहीं आती। हतक तसतूरा हुन्ना, अरे तूने उनकी चादरों को बिगड़ डाला। अब अदरी तवजूहा हुन्ना, उनके चेहरों को आश्कार कर डाला। अंजल तहुन्ना फी दारिल हरबा, और उन्हें तू दारिल हरबा में घसीट लाया। अरे लानत हो तुझ पे ज़हीर यज़ीद। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सय्यदुल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम ख़ालिदुन मा तरी हुसैन या हुसैन।